मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 15 फरवरी को एक स्पेशल केस में आपको बताना चाहता हूं कि पेशेंट को एंजाइना की जरूरत थी। एंजाइना हो रहा है इनको करीब 2 साल से, साल डेढ़ साल से एंजाइना की तकलीफ है। इसका मतलब है कि चलने पे छाती भारी होती है। डायबिटीज है आपको? नहीं। हाई ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं। अब ऐसे केस में जब हम चेक कर जांच करी उसमें ये देखिए सर की तरफ एक जगह ब्लॉक है करीब 50% और दूसरी तरफ राइट वाली नस में ये देखिए राइट वाली नस में करीब 25% ब्लॉक है, 30% और लेफ्ट वाली एक नस से ब्लॉक है, बाकी दूसरी नस से बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी केस में आपको मैं बस ये बताने के लिए ये फेसबुक लाइव किया है कि पेशेंट्स को सारे जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जाने वाले में एंजियोप्लास्टी की जरूरत हो। हमको 4 मिनट केस करने में लगे, 4 मिनट लगे, कितने लगे? और सबसे खुशनसीबी की बात है कि पेशेंट भी खुश है कि हमको स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हर केस में स्टेंट नहीं लगता, हर केस में बाईपास नहीं होता, लेकिन एक दिल को तसल्ली मिलती है। आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। निरुपम साहब बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलने के बाद, और भगवान करे मेरी भी उम्र डॉक्टर साहब को लग जाए, क्योंकि मेरे को मैं बहुत डर रहा था, मगर डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत अच्छा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एंजियोग्राफी की जाँच की जरूरत तो कर लेनी चाहिए। सारे केस एंजियोप्लास्टी नहीं होती, लोग सोचते हैं एंजियोग्राफी करी और स्टेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हर केस एंजियोग्राफी का बाईपास या एंजियोप्लास्टी में तब्दील नहीं होता, लेकिन दिल को तसल्ली मिलती है कि 40% ब्लॉक है तो उसको हम दवा पे रखेंगे। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे एक नस में इनके करीब 40% ब्लॉक है, आगे बढ़ेगा जब 70% से ऊपर ब्लॉक हो जाता है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, और दूसरी नस में करीब थोड़ा सा प्लाकिंग है वो 30% कह सकते हैं। तो अभी इनको दवा पे ही रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो पतला हो गया है, नस पतली हो गई है, तो ये केस को दवा पे रखेंगे और इनको फॉलोअप में 3 साल बाद या 4 साल बाद फिर से एंजियोग्राफी की जांच कर सकते हैं और इनको दवाई शुरू कर दी जाएगी, तो जिससे कि ये ब्लॉकेज बढ़े ना। डॉक्टर गुप्ता ऑन 15 फरवरी को फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली गिविंग यू अ लिटिल इनसाइट अबाउट द एंजियोग्राफी। थैंक यू वेरी मच। हैं क्या कह रहे हैं? हाँ मास्क उतार दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार अग्रवाल है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत बधाई संजय जी, आपको बहुत खुशनसीब है कि आपको एंजियोग्राफी की जांच हो गई और साथ साथ कोई ब्लॉकेज मेजर नहीं निकला, इससे आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी। नहीं साहब, मैंने आपका नाम बहुत सुना था, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, और जैसा सुना था वैसा ही पाया है मैंने आपको, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे घर वाले सारे परेशान हो रहे थे, मैंने कहा भाई मेरे पास मेरे बड़े भाई हैं साथ में, मुझे डर नहीं लगेगा, मगर मुझे वैसा ही मिला, ट्रीटमेंट भी वैसे ही दिया है सबने, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। हमारे पेशेंट ही हमारे इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, और जब पेशेंट ठीक होता है, एंजियोग्राफी नॉर्मल निकलती है या स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत हमारी वही है, डॉक्टर की दौलत पेशेंट ठीक होना। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 15th ऑफ फरवरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।